wanna be the person that you call up when you're down. हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम योर लार्ज। देखो लिफ्ट पे हम व्लॉग चालू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्यों। थोड़ा घाई घाई में कहीं निकल रहे, निकल, रुक जाओ। Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. चेहरे पे लाइट एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं, जैसे कि रिंग लाइट लगाई हुई सामने। अभी आपको जुगाड़ बाद में बताता हूँ, पहले ही दिखा देता हूँ कि अपनी बाइक पे क्या क्या हो गया है। बेसिकली मेरे को मेरा ब्लड ग्रुप, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड ऑफकोर्स बाइक का जो हैशटैग है, मेरे को वो अपने बाइक पे हमेशा चाहिए रहता है। हर एक बाइक पे होता है वो, तो अभी मैं वही करा के लाया था। आपने जो ऐसे ना सिनेमैटिक टाइप शॉट्स देखे, वो बस यही सारा कुछ था जो कैसे कराया। वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था क्योंकि आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी। बिजी स्ट्रीट था जहाँ पे, ये रोड पे कोई काम नहीं आ रहा था, मतलब काम आता था बट देन यू नो अननेसरी वो पी पा हॉर्न का आवाज़ आपको सुनना पड़ता था। सो दैट्स आई डिडंट डू इट ओवर देयर। अभी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जो यहाँ बाइक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप लोग ने अब तक फॉलो नहीं किया है तो ये रहा, अभी यहाँ पे भी लिख दिया है आपके लिए, ताकि देख के बार बार आपको याद रहे कि फॉलो करना है। एंड यहाँ पे मेरा नाम और ब्लड ग्रुप, और ये रहा अपनी मायशा का नाम, हैशटैग मायशा 800। हैशटैग मायशा 800 इज़ एन हैशटैग और इंस्टाग्राम, जहाँ पे रिलेटेड मुझे जो डालना है मैं डाल देता हूँ। आप लोग भी कभी कुछ मायशा रिलेटेड फ़ोटो या कुछ डालते हो तो फिर ये हैशटैग यूज़ करना भूलना मत, और ये हैशटैग को प्लीज़ फॉलो कर दो। और जो दूसरी चीज़ मैंने कराई है वो है ये जो बीच का पार्ट है लाइट का, उसको येलो टिंट करा है। अभी सीन ऐसा है ना कि मैंने इसको येलो तो करवा दिया, बट पीछे देर इज़ अ येलो बल्ब, तो वो इतना उठ के नहीं दिख रहा है जितना ये वाला दिख रहा है। इसको भी येलो करा दिया है मैंने, जितना ये उठ के दिख रहा है ना उतना वो ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, बिकॉज इसमें अंदर व्हाइट लाइट्स है और उसमें येलो है, तो फिर इसको भी व्हाइट कराएंगे। एंड ये तो व्हाइट है। सो ये देखो, ये है येलो टिंट विद अ व्हाइट बैकग्राउंड, एंड दिस इज़ अ येलो टेंट विद येलो बैकग्राउंड, तो थोड़ा अजीब सा लग जाता है, तो इसके लिए चेंज करेंगे, व्हाइट बल्ब कर लेंगे। मायशा कुछ अभी ऐसी दिख रही है, आई होप आप लोगों को दिख के अच्छा लगा। तो आप लोग इसको येलो इसके लिए कराते हैं कि वो फॉग में थोड़ा अच्छा काम करता है एंड लुक्स बेटर। अब मेरे हिसाब से इट डज लुक बेटर, बट देन फॉग का आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। मैंने बहुत लोगों से सुना है हाँ ये ऐसे काम करता है, बट लेट्स सी, जब अपने को फॉग में चलाने का मौका मिलेगा तो टेस्ट भी हो जाएगा, क्या बोलते हो? तो आज देखो बड़े दिन हम लोग को कौन मिलने आया है, क्या बोलता है कुणाल? बढ़िया, क्यों आया वैसे? रीज़न तो पता है इनको नहीं, और क्या हुआ तेरे साथ? नहीं बताने जैसा नहीं है। तो मेरे पास आया, मेरे को एक बाइक बता दो, मेरे को ये लेने का है ये वो। मैं ऐसा देखा नहीं, मना मना हो गया, नो। तो ले रहा है? नहीं, कल रिटर्न। बाइक जाने दो, अभी क्या बताओ आपको। ऐसा है कि मतलब मैं बोला क्या दो दो टेम फ्रेम रखेगा, तो कैंसिल कर दिया। तो हम लोग अभी मोमोज खाने आ गए, हम लोग के फेवरेट लोकेशन पे, वो है जुहू। कुणाल इज हैविंग तंदूरी मोमोज, मैंने अपना ऑलरेडी खत्म कर दिया। कैसा लगा कुणाल? सब लोगों को तो पता है ना, अपने सारे दोस्त मेरे को बोलते हैं मेरे को मोमोज बहुत ज्यादा खाता बहुत ज्यादा खाता, पर आज मैंने डेढ़ हफ्ते बाद खाए, वो भी आज ये आया था इसके लिए, मतलब चल चल लेते, इसको ट्राई कराना था और देना एकदम। सीट पे हमने काफ़ी सारी गंदगी कर दी है, इसके नीचे पूरा सॉस वॉस गिरा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। करेंगे। फाइनली वापस घर आ गया, एकदम नहा धो के तैयार हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे ना, ये रात को इधर नहा धो के तैयार हो गया क्या कर रहा है? इसका जवाब आपको मैं अगले व्लॉग में ही दे पाऊंगा, अभी मैं आपको उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट, बिकॉज मैं थोड़ा शेड्यूल के पीछे चल रहा हूँ। पैकिंग वैकिंग करना है, पैनियर लोड करने हैं और कहीं निकल जाना है। ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा डेस्टिनेशन नहीं है हाल फिलहाल में, पहले गया था मैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे वापस जा रहा हूँ, बिकॉज जस्ट मेरे को पैनियर्स टेस्ट करना है, बोलते हैं ना थोड़ा ट्रायल वाली राइड लेनी है, और मेरी जगह वो जगह मेरे दिल के बहुत पास है, तो यू नो आई वॉन्ट टू गो देर। अब चल रहे, करण भाई से मेरी बात हो गई, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम लोग निकलेंगे एक दो चार घंटे के आसपास, तब तक मेरे को वीडियो एडिट करना है, वीडियो अपलोड करना है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये वीडियो कल देख पाओ, एंड अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट करना है, पैकिंग भी करनी है। सो गाइज आज मैं बस वीडियो यही खत्म कर देता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना भूलना मत। अभी भी वी आर रनिंग 65% पीपल आर नॉट सब्सक्राइब, तो थोड़ा यार बुरा लगता है कभी देख के, कर लो प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा देना, एंड ऑल्सो पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
तो हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग में दूर कहीं, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।